गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज ले रहे हमारा प्रतीका का पाठ 3। इससे पहले हम लोगों ने मेरे संग की औरतें ले लिया था। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित यह एक एकांकी है और जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। यदि हम इसके शीर्षक की सार्थकता को देखें तो इसमें सार्थकता में यानी इसे हम यदि देखें तो उसमें क्या रीढ़ की हड्डी क्या होती है, हमारे शरीर की शारीरिक संरचना को दृढ़ता प्रदान करती है। यानी यदि हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की यदि कोई समस्या हो जाती है तो हमें हमारी शारीरिक संरचना का जो ढांचा है वो बिगड़ जाता है। हम बैठ नहीं सकते, हम खड़े नहीं हो सकते, हम सिर्फ लेटे ही रहेंगे तो वो हमारा बिगड़ जाएगा। वैसे ही समाज के लिए रीढ़ की हड्डी क्या है? शिक्षा। यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, नारी शिक्षित नहीं होगी तो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को लेकर ये एक एकांकी रची गई है। एकांकी और कहानी में क्या अंतर है? कहानी निरंतर चलती रहती है, एकांकी में केवल अंक एक अंक होता है। ठीक है, दूसरा उपन्यास और नाटक, नाटक और एकांकी, नाटक में कई अंक होते हैं और एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। गद्य के महत्वपूर्ण विधाओं में से एक विधा एकांकी भी है, बहुत सी है। जैसे मैंने कई बार बताया आपको, उपन्यास, कहानी, नाटक, लघु कथा, ठीक है, रिपोर्टर, संस्मरण, आत्मकथा, डायरी, ये सारी हमारी गद्य की ही रचनाएं होती। तो चलिए पाठ को हम शुरू करते हैं। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं। इसमें हमारे जो पात्र हैं वो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा रामस्वरूप। ठीक है, रामस्वरूप आते हैं, रामस्वरूप के बाद में गोपाल प्रसाद, प्रेमा और उमा शंकर, ये हमारे प्रमुख पात्र हैं। यानी रामस्वरूप द्वारा, रामस्वरूप कौन है? रामस्वरूप और प्रेमा पति पत्नी हैं। ये रामस्वरूप पति है और प्रेमा उनकी पत्नी है। इन दोनों की जो संतान है उसका नाम है उमा। गोपाल प्रसाद और जो बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, जिनका पुत्र है शंकर। कहानी चलती है हमारी उमा के विवाह को लेकर। रामस्वरूप की जो पुत्री है उमा, वो बीए की हुई है यानी उच्च शिक्षित है। लेकिन वो उसके लिए जब विवाह के योग्य वर ढूंढने जाते हैं तो कहीं पर भी शिक्षा को सम्मानित करने वाला व्यक्ति उन्हें नहीं मिलता। यानी ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें नहीं मिलता जो उच्च शिक्षा को स्वीकार करे और यह कहे कि हाँ, हमें पढ़ी लिखी बहू चाहिए। अंत में अपनी पुत्री हर पिता की भांति रामस्वरूप ने भी अपने कुछ असूलों से समझौता किया और क्या सोचा कि ठीक है, आर्थिक स्थिति को अच्छा देखकर, सामाजिक प्रतिष्ठा को अच्छा देखकर उन्होंने अपनी पुत्री का रिश्ता एक ऐसे घर में करने का निश्चय किया जहाँ शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। यानी उन लोगों के लिए उनकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं थी, जिसे कि उमा बाद में बहुत अच्छा जवाब देकर बताती है। तो इसी को हम आगे लेकर चलते, ठीक है। चलिए पहली घटना को यदि हम देखें, घटनाक्रम है इसमें रामस्वरूप द्वारा मेहमानों के स्वागत की तैयारी। और ये मेहमान कौन है? हमारे गोपाल प्रसाद और इनका पुत्र शंकर। पर्दा खुलने पर बाबू रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष को सजा रहे हैं। वे तख्त बिछाकर नौकर को दरी और चादर लाने का आदेश देते हैं। नौकर बिछाने की चादर की बजाय मालकिन प्रेमा से मालिक की धोती मांगता है। इस पर मालकिन गुस्सा करती हुई वहां आती है। जब हमारे घर में भी कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम कई औपचारिकताएं निभाते हैं, जैसे अच्छी क्रॉकरी निकालते हैं, बेडशीट को नया बिछाते हैं, कुछ वॉश वगैरह लगाकर, फूलदान वगैरह लगाकर उन्हें सजाते हैं, कुछ सीनरीज को हम चेंज करते हैं। इस तरीके से घर की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसा ही काम किसने किया? रामस्वरूप ने भी वहाँ पर किया। रामस्वरूप और प्रेमा की चिंता। रामस्वरूप प्रेमा को बताते हैं कि उसने बिछाने वाली चादर मंगाई है। प्रेमा नौकर को अलमारी से चादर लाने का आदेश देती है। रामस्वरूप कमरे में हारमोनियम भी रखवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पुत्री हारमोनियम बजाती है। तभी प्रेमा बताती है, बेटी उमा तो रूठी हुई है, वह न तो पाउडर लगाने को तैयार है न शादी के लिए उत्साहित है। रामस्वरूप पत्नी को कहते हैं, बेटी को संभालने समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पत्नी अपना पल्ला झाड़ती हुई यह काम पति पर डालती है कि उसे इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, वह एंट्रेंस पास कर लेती इतना ही काफ़ी था, यानी टेंथ कर लेती वही काफ़ी था। आज उसकी स्थिति क्या, वो क्यों
क्यों तैयार नहीं हो रही, क्योंकि उसे जब लग रहा है उसकी शिक्षा का महत्व नहीं है तो वो इन बाहरी आडंबरों को नहीं मान रही है। बाबू रामस्वरूप पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें समझाया था कि हमें उमा की पढ़ाई को छिपाना है, तुम फिर भी एंट्रेंस का नाम मुंह पर ला रही हो। रामस्वरूप आने वाले अतिथि गोपाल प्रसाद, बता दिया था मैंने के बारे में बताते हैं, वे यूं तो वकील हैं और सभा सोसाइटी में जाते हैं, परंतु बहु अधिक पढ़ी लिखी नहीं चाहते, कैसे दक्यानुसी ख्याल हैं उनके। उनका बेटा तो बाप से भी आगे, वह बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, परंतु लड़की वह भी कम पढ़ी लिखी ही चाहता है। इतना बताकर रामस्वरूप पत्नी को कहते हैं वह बेटी उमा को समझा बुझा कर ठीक ढंग से नीचे भेजे, यानी उन्होंने पूरी स्थिति बता दी कि है तो कैसे हैं, वो व्यापारी हैं, वकील हैं, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ठीक है, परंतु वे कैसे हैं, उनके विचार दक्यानुसी हैं, क्योंकि उन्हें जो बहू है वो कैसी चाहिए, कम पढ़ी लिखी चाहिए। वहीं उनका बेटा जो है वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, बीएससी कर रहा है, परंतु बीएससी करने के पश्चात मेडिकल में जा रहा है, परंतु वह भी कैसी पत्नी चाहता है, वह भी कैसी पत्नी चाहता है कि जो कम पढ़ी लिखी हो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे, गोपाल प्रसाद और शंकर का आगमन, यानी वो आते हैं। नौकर बताता है बाहर कोई अतिथि आए हैं, वे जल्दी से हारमोनियम को ठीक जगह रखते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए भेज देते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ प्रवेश करते हैं, रामस्वरूप नमस्कार करके उनका स्वागत करते हैं तथा उन्हें बिठाते हैं। लड़के शंकर की रीढ़ की हड्डी कुछ झुकी हुई है, कुशलक्षेम पूछने के बाद रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं अब उनकी पढ़ाई का आखिरी साल होगा। शंकर बताता है नहीं, उसके 2 साल और शेष हैं। गोपाल प्रसाद बताते हैं वास्तव में यह 1 साल बीमार हो गया था, यानी उनको लगा कि यह अब उसका कैसा वर्ष है, अंतिम वर्ष होगा, लेकिन वो कहता है नहीं, अभी 2 वर्ष और मेरे शेष हैं। तब गोपाल प्रसाद अपने बेटे की सफाई देते हुए क्या कहते हैं कि वास्तव में 1 साल वो बीमार हो गया था। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप का हंसी मजाक, अब वो हंसी मजाक किस लेवल से करते हैं कि हमारे ज़माने में तो ये होता था, हमारे ज़माने में ये होता था, जब पुराने लोग मिलते हैं तो सामान्यतः इस प्रकार की बात करते हैं, आपने आज भी अपने बड़े बुजुर्गों को इस प्रकार की बातें करते हुए सुना होगा। गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बातें याद करते हुए कहते हैं वे इस जवान उम्र में स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, फिर भी खाने के समय भूख लगती थी। उस ज़माने में आज की तरह खेल की सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उनकी पाचन शक्ति बहुत थी, फिर वे पढ़े लिखने का रौब दिखाते थे। एक बार पढ़ने बैठते तो 12 घंटे पढ़ते रहते थे। उनके ज़माने का मैट्रिक पास भी आज के एमएस से अच्छी अंग्रेजी लिखता है। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करता है तो शंकर ही करता रहता है, क्यों, ये मजाक किसका बन रहा है, इधर शंकर को ही वो टारगेट बनाकर या मुख्य बिंदु बनाकर वो सारी बातें कर रहे हैं। चलिए घटनाक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। अचानक गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहता है कि अब सीधे बिजनेस की बात करते हैं, उनके लिए विवाह क्या है, बिजनेस है। जो व्यक्ति विवाह को बिजनेस मानता है वो उनके रिश्तों को, उसकी गर्माहट को ढंग से समझ ही नहीं सकता। रामस्वरूप बिजनेस शब्द सुनकर घबरा जाता है, फिर वह पीछे वाले कमरे से चाय और मिठाई नाश्ते की ट्रे उठाने चला जाता है। गोपाल प्रसाद शंकर को कहते हैं मकान देखकर ऐसे तो ठीक लगती है, देखते हैं लड़की कैसी है। फिर वह शंकर को सीधे बैठने के लिए कहता है, बैकबोन सीधी करने के लिए, बैकबोन यानी हमारी रीढ़ की हड्डी। उमा जब आती है तो उसकी आंखों पर चश्मा होता है, जिस चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद घबरा से जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ये चश्मा ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने के कारण तो नहीं है। चलिए इधर उधर की गप्पों को चलते लड़की की खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। रामस्वरूप कहता है हमारे ज़माने में खूबसूरती का सवाल ही नहीं उठता था। वह शंकर से पूछता है शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बात को काटते हुए कहते हैं लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। गोरा रंग जो होता है वो लड़की की खूबसूरती को दिखाता है, गुणों को बाद में तोला जाता है, चाहे इसके लिए उसे पाउडर वगैरह लगाना पड़े, क्योंकि घर की औरतें राजी नहीं। गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई के बारे में स्पष्ट कहते हैं हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, कौन भुगतेगा उसके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। उनका बेटा शंकर भी समर्थन करता है जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। अब उनका मानना क्या है कि अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी आ गई तो वो घर के फैसलों में अपनी हिदायत देगी, अपना ज्ञान देगी, और ये उन्हें पसंद नहीं था।
क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां जो होती है उनमें तर्क करने की क्षमता होती है। गोपाल प्रसाद कहता है, लोग कहते हैं जब लड़कों को बीए एमए पढ़ाया तो बहुएं भी ग्रेजुएट हो, परंतु क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक ही बात है? मर्दों का काम है पढ़कर काबिल होना। अगर औरतें भी अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स पर बहस करने लगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी? वे तर्क देते हैं, जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, ऊंची तालीम भी उन्हीं में से एक है। यानी उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए और इन एग्जांपल्स के साथ उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए है। चलिए उमा से पूछता था, अब कौन आती है? उमा का प्रवेश होता है कक्ष में जहाँ वो सारे जने बैठे हैं उस कमरे में। नाश्ता समाप्त होने के बाद रामस्वरूप पान मंगवाते हैं, ठीक है कि जब पान आ जाता है उनकी बेटी उमा पान की तस्तरी लेकर वहाँ आती है। उसके कपड़े सादे हैं, गर्दन झुकी हुई है, आंखों पर चश्मा है। चश्मा देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। रामस्वरूप सफाई पेश करते हैं, पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा है, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। रामस्वरूप के कहने पर उमा हारमोनियम के पास बैठती है। गोपाल प्रसाद को उमा की चाल ढाल और चेहरा पसंद आता है। वे उमा से कुछ गाने को कहते हैं। उमा मीरा का भजन सुनाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट द्रौपदी सोई। उसके स्वर में तल्लीनता और मधुरता है। अचानक उमा की आंखें शंकर की झेपती हुई आंखों से मिल जाती है। वह गाते गाते रुक जाती है क्योंकि वो शंकर को जानती है। शंकर उन लड़कियों के उस हॉस्टल में आता था और रात्रि में भागते समय हॉस्टल से कूदने के कारण ही उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, क्या उसे पेंटिंग वेंटिंग आती है? रामस्वरूप कहते हैं, कमरे में टंगी सारी तस्वीरें उसी की बनाई हुई हैं। फिर सिलाई के बारे में पूछा जाता है। रामस्वरूप कहते हैं, घर के सारे कपड़े यहाँ तक कि उसकी कमीजें भी उमा ही सिलती है, शर्ट जिसे हम कहते हैं। गोपाल प्रसाद पूछते हैं, बेटी कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप सफाई देते हैं, ये बेचारी शर्माती है। अब एक बार गोपाल प्रसाद रामस्वरूप बोल भी देते हैं कि कुछ उमा को भी बोलने दीजिए। उमा की डांट फटकार। डांट फटकार क्यों? क्योंकि जब इस प्रकार होता है तो वह कई उमा से प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें उसे लगता है कि ये तो उसी तरीके की बात हुई कि जब हम बाज़ार जा रहे हैं तो जिस प्रकार हम मटका ले रहे हैं तो उसको किस तरीके से ठोक बजा कर पूछा जाता है, आप भी वैसे ही प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं। तब उमा कुछ बोलती है। जब उससे उससे पूछा जाता है कि क्या तुम तैयार हो तो वो कहती है कि मेरी स्थिति तो आपने वस्तु के समान कर दी, अब आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? गोपाल प्रसाद रूखे स्वर में कहते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा दृढ़ स्वर में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार की को दिखलाता है, पसंद आ गई तो अच्छा वरना मतलब से रख देंगे। ये महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियाँ हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर ले? यानी उसने कैसे उसके बारे में जो पूछा ताछा उससे ऐसा ही उसे उमा को अनुमान हुआ। गोपाल प्रसाद उमा की बातों को अपमानजनक मानते हैं। उमा कहती है, और आप जो इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भाग गए? गोपाल प्रसाद पूछते हैं, तो क्या तुम पढ़ी लिखी हो? उमा कहती है, हाँ मैंने BA पास किया है, कोई चोरी नहीं की, नहीं आपके पुत्र की तरह तांक झांक कर कायरता दिखाई है, मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या सुना उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई के बारे में सुनकर उखड़ जाते हैं, वे इसे सरासर धोखा कहते हैं। BA पास, उफ गजब हो गया, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। वे वापस जाने लगते हैं। उमा आखिरी चोट करती हुई कहती है, जरूर चले जाइए लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद अपमानित होकर वहाँ से चले जाते हैं। रामस्वरूप धम से सोफे पर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दुख होता है कि अब फिर से मुझे वहीं से जीरो से शुरुआत करनी होगी, अपनी बेटी के लिए वो सारे वर फिर से उन्हें तलाशने होंगे। तो ये एक छोटी सी एकांकी है जिसके अंतर्गत ये सारी बातें कहानी को मैंने शॉर्ट में करके बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंटों के रूप में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन आंसर्स आपको PPT के रूप में
स्क्रीनशॉट के रूप में आपको भेज दिए जाएंगे। क्लियर? और इसको सुनिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, ज़्यादा पात्र है ही नहीं इसमें, तो छोटी सी एक अंक की। थैंक यू।